Hello guys and welcome to Aficionados 10 where we stay in class. And guys, आज जो विस्की मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है Oaksmith Gold. So guys, ये विस्की जो है ये Beam Suntory कंपनी से है and I'm very excited to review this whisky क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सुना है. आज तक मैंने टेस्ट नहीं की है, आपके सामने पहली बार मैं ये टेस्ट करूँगा, बट मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है. तो चलिए पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड थोड़ी सी पोर कर लेते हैं जब तक ये विस्की खुलेगी एंड देन विल प्रोसीड विद द विस्की. चलिए, तो ये एक ग्रीन कलर की पैकेजिंग में आती है एंड इसका एक और वेरिएंट है जो कि इससे नीचे वाला वेरिएंट है. तो ये एक ग्रीन कलर की पैकेजिंग में आती है. चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स. That's Oaksmith Gold for you guys. तो ये विस्की जो है ये एक ग्रीन कलर की बॉटल में आती है एंड दिस इज़ अ हेक्सागनल काइंड ऑफ अ बॉटल. बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग डिज़ाइन है बॉटल का. सम वॉट इट रिमाइंड्स मी ऑफ सिग्नेचर की पैकिंग, बट देन अगेन उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है. बहुत यूनिक पैकेजिंग है और एक गोल्ड और ग्रीन के शेड्स में आती है ये पैकेजिंग. तो इट इज़ क्वाइट अ गुड कलर कॉम्बिनेशन. तो चलिए खोलते हैं इसको एंड लेट्स पोर इट. चलिए, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ इसको लेके. बिकॉज दिस विस्की इज़ अ ब्लेंडेड विस्की एंड दिस विस्की हैज़ बीन ब्लेंडेड विथ स्कॉच मॉल्ट्स, केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्कीज एंड इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बीम सेंटोरी. अब इस सब को कंबाइन करके एक ब्लेंडेड विस्की बनाई है, वो भी विद दैट जैपनीज क्राफ्टमैनशिप. And the person behind this is Shinji Fuyoku-san, the same person, the same master blender and distiller जो कि Hibiki और Yamazaki भी बनाते हैं, उनके नेतृत्व में वो बनती है. तो those are the whiskies which have put Japanese whiskies on the whiskey map of the world. आपको मैं इसकी थोड़ी सी history बताता हूँ. तो पहली बात तो इट इज़ अ प्राउड थिंग कि एक विस्की बनाई गई है एक जापनीज मास्टर ब्लेंडर ने, वो भी इंडियन मार्केट को नज़र में रखते हुए, विच इज़ क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग. इससे ये पता चलता है कि इंडियन मार्केट इज़ बिकमिंग सो मच पॉपुलर कि अब लोग जो है वो इंडियन मार्केट को फोकस कर रहे हैं अपनी विस्कीज बनाने के लिए. हैविंग सेड दैट, आपको मैं बताता हूँ इसके पीछे की प्लानिंग और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया है. सो मच सो कि Shinji Fuyoku-san केम टू इंडिया 6 times ड्यूरिंग 2018 and 2019 एंड उन्होंने बहुत छोटे बड़े रेस्टोरों में, ढाबों में बकायदा खाना खाया है इंडियन पैलेट को समझने के लिए. छोटे बड़े वाइन रिटेल स्टोर्स में जाके उन्होंने शराब टेस्ट करी है जो कि हमारी इंडियन IMFL हैं, और उसको टेस्ट करके इंडियन पैलेट को नज़र में रखते हुए उन्होंने ये विस्की बनाई है. तो दैट्स अबाउट दिस विस्की. इसमें एज आई सेड ऑलरेडी, इसमें स्कॉच मॉल्ट्स हैं विच इज़ मिनिमम एज फॉर 3 years, क्योंकि विदाउट दैट विस्की कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्कॉच. इट हैज़ टू बी एज्ड फॉर मिनिमम ऑफ 3 years इन स्कॉटलैंड एंड डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड. प्लस केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्कीज़ हैं. स्ट्रेट बर्बन वो होती है जो एटलीस्ट 4 years के लिए मैच्योर की जाती है इन US, तो वो हैं. प्लस इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स वो ऐड हुई हुई हैं इसमें टू मेक इट अ विस्की, कीपिंग इन माइंड द इंडियन पैलेट. सो दैट्स Oaksmith Gold फॉर यू. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग. लेट्स सी कि इसमें क्या कमाल है जो इतनी अच्छी लग रही है सबको ये विस्की. चलिए, सो अगर मैं कलर की बात करूं तो इट हैज गॉट अ डार्क गोल्ड काइंड ऑफ कॉपरिश, काइंड ऑफ एम्बरिश कलर टू इट. लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. हाँ,
मुझे इसमें रेजिन्स का, हनी का बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, प्लस एक वनीला का नोट आ रहा है, विच इज़ टेकिंग मी बैक टू थिंकिंग कि हाँ भाई इसमें है बर्बन विस्कीज, प्लस एक मॉल्ट का अरोमा आ रहा है मुझे इसमें. लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड नोट्स. एक वुड का अरोमा बहुत अच्छा है इसमें. फ्रूट्स, स्ट्यूड फ्रूट्स, पीचेस, एप्पल्स, उसका अरोमा बहुत स्ट्रांग है इसमें. दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द नोज. लेट्स सी कि पैलेट पे क्या असर दिखाती है. एक बहुत ही स्मूथ विस्की है ये, प्लस इट इज गॉट अ मीडियम माउथ फील टू इट. उसके अलावा फ्रूट्स का, जो स्ट्यूड फ्रूट्स की मैं बात कर रहा था, एप्पल्स, पीचेस, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है. एक स्वीट पैलेट है इसका, प्लस एक ओकीनेस इसमें बहुत अच्छी है. प्रॉब्ली बिकॉज इसमें बर्बन एडेड है. बर्बन जो होते हैं वो अमेरिकन कास्क में मैच्योर किए जाते हैं, तो एक वो चार्ड नए कास्क का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है. बहुत ज़्यादा ओकीनेस है, अच्छी खासी वुडीनेस है इसमें, प्लस एक वनीला, वनीलिन का नोट बहुत अच्छा आ रहा है. लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट एंड लेट्स सी कि क्या कमाल है. एक मॉल्टीनेस है, एक हल्की सी स्मोकीनेस भी है इसमें, तो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट द विस्की एज इट इज. लेट्स गेट ऑन टू अ कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स ऐड अ डैश ऑफ वाटर टू इट एंड लेट्स सी कि क्या कमाल दिखाती है आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर. तो चलिए, दैट्स अ डैश ऑफ वाटर. वेल, ऑन द नोज वो मॉल्टीनेस इंक्रीज हो गई है, वुडीनेस, ओकीनेस इंक्रीज हो गई है इसमें, वनीला के नोट्स इंक्रीज हो गए हैं. हनीड नोट्स खुल के आ रहे हैं. दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द नोज. लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर. सो अब से मॉल्टीनेस बढ़ गई है इसमें, वनीला के नोट्स बढ़ गए हैं, ओकीनेस, वुडीनेस बढ़ गई है. वो हल्की सी स्मोक आ रही थी वो बहुत ज़्यादा सबड्यू हो गई है, प्लस वो स्टूड एप्पल्स वगैरह का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है अब. तो मेरे हिसाब से अ डैश ऑफ वाटर वुड ऑल्सो डू, एज वेल एज द विस्की एज इट इज़ वुड ऑल्सो डू. बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी विस्की है. तो अगर मैं इसके एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8.5 एंड ऑन द प्राइस आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5. तो इसका एफिशनाडोज नंबर होता है 9. एज वी से इन एफिशनाडोज 10, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड स्टे क्लासी एंड चीयर्स.